राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर अपना हक बताने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने अब पूर्व विदर्भ की सभी 6 सीटों में अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की तैयारी दर्शाई है। प्रेस परिषद में नागपुर जिला प्रभारी कुशल मेश्राम ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास प्रस्तापितों के अलावा कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर ने मविया के सामने 4 प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें ओबीसी नेता मनोज जरांगी को लोसकी उम्मीदवारी, 15 सीट ओबीसी और 3 अल्पसंख्यकों को उम्मीदवारी दी जाए। सध्या पूर्व विदर्भातल्या 6 लोकसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी जे उमेदवार आहेत त्यांचे संभाव्य नावं जी समोर येत आहेत ही इथली प्रस्थापित नावं आहेत, मग ते काँग्रेस पक्षातले असोत किंवा महाविकास आघाडीतल्या इतर पक्षातलेही असोत, त्यामध्ये नागपूर असो, रामटेक असो, चंद्रपूर असो, पूर्व विदर्भातली जी 6 जिल्हे आहेत त्या 6 जिल्ह्यामध्येही प्रस्थापित घराण्यामधूनच नावं समोर येत आहेत। म्हणून पक्षाचे नेते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी काही दिवसापूर्वीच महाविकास आघाडीला 4 मुद्द्यांचा एक मसुदा दिला होता आणि त्यामध्ये जालन्यामधून जरांगे पाटलांना सार्वत्रिक मिळून महाविकास आघाडी मिळून एक उमेदवारी जाहीर केली पाहिजे। उम्मीदवारों से पहले ही यह लिखित लिया जाए कि वह बाद में भाजपा में नहीं जाएगा, लेकिन चारों ही प्रस्ताव का मविया की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।